मैं हूं राजेश और आप देख रहे हैं PPA 24 न्यूज़। मैं दिखाता हूं कानपुर और कानपुर के बारे में मैं बताता हूं। आज मैं जहां खड़ा हूं ये रावतपुर का स्टेशन है। एक व्यू लेंगे, दिखाएंगे रावतपुर स्टेशन कितना गंदा है और कितना साफ है। आइए हमारे साथ में। तो मैं दिखाता हूं ये रावतपुर स्टेशन। कोई अधिकारी आने वाला है, हमने पूछा तो बोलते हैं कि GRM आने वाले हैं, इसलिए ये साफ़ सफाई हो रही है। ये देखिए, लेकिन यहाँ का व्यू दिखाइए आप, कितना गंदा पड़ा हुआ है। ये देखिए, साफ़ सफाई जोरों पे है। ये दिखाना चाहता हूँ मैं आज कि हर रोज़ की तरह क्यों साफ़ सफाई, कोई अधिकारी आता है तभी क्यों साफ़ सफाई होती है। मैं ये दिखा रहा हूँ आपको रावतपुर स्टेशन का पूरा हाल। गंदा जल की टंकी है, इस तरफ देखिए कितनी गंदगी पड़ी हुई है। ये देखिए कितनी गंदगी, इतनी साफ़ सफाई होने के बावजूद भी इस स्टेशन में कितनी गंदगी पड़ी हुई है। बस बंद करो। तो मैं कुछ पैसेंजर से और पूछता हूँ कि आज साफ सफाई ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा है पहले के मुताबिक। हाँ? हाँ। कोई आने वाला है? ये तो नहीं पता सकते, कोई अधिकारी आने वाला होगा इसीलिए होगा। हाँ, इसीलिए। अगर रोज ऐसी साफ सफाई हो तो क्या कहने है? क्यों? हाँ, तो बढ़िया है। हाँ? अगर रोज रहे ऐसा तो अच्छा। हाँ? और क्या हो सकता है। हाँ। सही है ना। ठीक। आस्कर गंगवार जी हैं जो SSI हैं इस रावतपुर स्टेशन के, पूछते हैं सर कैसे मैनेज करते हैं पूरे स्टेशन को? स्टेशन को हमारे अपने साथियों कर्मचारियों के साथ मिलकर सहयोग से मैनेज करते हैं। और साफ सफाई में हमारे यहाँ ठेका है आपका इंटरप्राइजेज का, उसके कर्मचारी यहाँ मैनेज करते हैं। अच्छा, देखा गया है कि जो कोई अधिकारी आता है तभी साफ सफाई होती है? जब कोई अधिकारी आता है तो थोड़ा साफ सफाई ज्यादा होती है। साफ सफाई डेली होती है, डिपेंड करता है पैसेंजर की मेंटेलिटी क्या है। पैसेंजर को कितना अनाउंस कीजिए, जुर्माना लगाइए, फिर भी वही मूंगफली खा के वही छिलेगा फेंकेगा। डस्टबिन लगे हुए हैं शायद रावतपुर स्टेशन पे, 12 डस्टबिन लगे हुए हैं, आज तक किसी ने उसमें नहीं डाला। हमारे सफाई कर्मचारी उठा के उसमें डालते हैं। तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिससे कि यात्रियों को मतलब समझाया जा सके कि आप डस्टबिन में यात्रियों को काउंसिल करने के लिए यहाँ से अनाउंस किया जाता है? सफाई कर्मचारी बोलता है, जो भी कर्मचारी सारे बोलते हैं। बाहर नगर निगम वाले पोस्टर लगाए हैं, हमने पोस्टर लगाए हैं, लेकिन उन पोस्टरों पे उन पर कोई असर नहीं पड़ता। उन्हें जो काम करना है, पिचकारी मारनी है, थूकी पिचकारी मार देनी है। इसके बाद उठा के ज़्यादा होगा तो उठा के हम ट्वीट कर देंगे, साहब यहाँ गंदा पाया गया। अच्छा। जैसा कि 4 दिन पहले हमारे यहाँ हुआ, खुद ने वहाँ ट्वीट पिचकारी मारी, बाहर खड़े होने वाला वहाँ थूक रहा है पोल के पास में, और फिर खुद उठा के उसको ट्वीट कर दिया, यहाँ गंदा पाया गया। तो ये थे गंगवार साहब जिन्होंने बताया कि किस तरह से पैसेंजर जो है दिक्कत करता है और गंदगी करता है रावतपुर स्टेशन में।